चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ अन्य खबरों का जिक्र। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए हमले में खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, सूत्रों की माने तो लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया। सूत्रों का दावा है कि तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है और शक है कि कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का मकसद श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध फायरिंग करना था ताकि बस का संतुलन बिगड़ जाए और वो खाई में जा गिरे। और यह आतंकी हमला नहीं बल्कि एक हादसा लगे। दावा है कि रियासी में कुछ दिनों पहले हुए बस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए आतंकियों ने इस हमले के जो प्लान है वो तैयार किया था। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने जमीन आसमान एक कर दिया है। जंगल में छुपे आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी जंगल में छानबीन कर रही है। इसी के साथ ही जांच के लिए एनआईए की टीम भी रवाना हो गई। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों के घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है, यहाँ पर आतंकी कहीं ना कहीं पनाह लिए होंगे। इसी के चलते जो है ये बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद खास तौर पर ली जा रही है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। न्यूज 18 के पास जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले में चंद मिनट पहले का सीसीटीवी वीडियो भी आया है जिसमें वो सफेद बस जो है साफ नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी। कल शाम 6 बजे के इस वीडियो में वो बस आराम से कटरा की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन करीब 10 मिनट बाद आतंकियों ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हमले की वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, बस खाई में जा गिरी। ये तस्वीरें आपके सामने। अभी न्यूज 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का जिसमें जो जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 बजे की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि यो जो बस है वो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें, यही वो बस है। आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहां पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गिरी, जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके, उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे। तो आतंकी हमले का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जो सामने आया है, सफेद कलर की ये बस जाती हुई नजर आ रही है और जैसे ही ये बस निकलती है उसके कुछ ही मिनटों बाद ये हमला होता है, गोलियों की बौछारें होना शुरू होती हैं और उसके बाद बस का संतुलन बिगड़ता है, बस खाई में जा गिरती है, 9 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल थे। दंतेवाड़ा का जिक्र करेंगे, भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया है, मिट्टी से भरे ट्रक ने युवक और युवती को अपनी चपेट में ले लिया, मिट्टी में दब गए युवक और युवती दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मोटरसाइकिल चालक के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 3 लोगों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया। ये तस्वीरें देखिए दंतेवाड़ा की, ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंदा और उसके बाद मिट्टी के नीचे ये लोग आ गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, इन्हें निकाला गया और गंभीर हालत में फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है।
जगदलपुर में एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय किसान भूख हड़ताल पर हैं। नगर नार के भू प्रभावित किसानों की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। तेज गर्मी के बीच किसान अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। गौरतलब है कि नगर नार के किसानों ने साल 2001 में एनएमडीसी प्लांट के लिए अपनी जमीन दी थी। आज 24 साल बाद भी किसान रोजगार की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 12 जून को प्लांट पर ताला जड़ने की चेतावनी दी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सर, हमको इस बात का दुख है कि जिला प्रशासन और एनएमडीसी ने पहले तो हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए कि तुमको नौकरी दिया जाएगा, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन आज तक सर हमारे क्षेत्र में ना कोई बड़ा स्कूल है ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर प्रदूषण से, अभी जब से स्टार्ट हुआ है एनएमडीसी, प्रदूषण से हम सब बीमार पड़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है, हम कहाँ जाए। लेकिन 22 बरस बीत गया सर और आज तक जो है क्षेत्रवासियों का हंधे का किया जा रहा है। आज प्रोडक्शन हुए 10 महीना, साल भर लगभग हो गया, और इस प्रोडक्शन में परिवहन का काम भी सारे मतलब बाहर के लोगों को बुलाकर। कोंडागांव का जिक्र करेंगे। शहर में बिजली सप्लाई यहां पर बाधित हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी। शहर के 18 से 20 कॉलोनियों में सप्लाई बंद रहेगी। मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसी वजह से बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी क्योंकि भीषण गर्मी है, पारा लगातार बढ़ा हुआ है और लोग अब गर्मी से परेशान होते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।